सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीजेज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई स्टाइल तवा पुलाव की रेसिपी। ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, इसे हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तवा पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये डीप कढ़ाई। अगर आपके पास लोहे का तवा है तो आप उसका ही यूज करें। मेरे पास यहाँ पे इतने बड़ी साइज का लोहे का तवा नहीं है, इसलिए मैं ये कढ़ाई यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। गैस का फ्लेम मैंने रखा है हाई पे। अब हम इसमें डालेंगे बटर और इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून जीरा और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट ली है, और इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चलाते हुए भून लूंगी। प्याज को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट ही करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम इसकी कच्ची स्मेल जाने तक अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़े साइज का कैप्सिकम, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, और इसे भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लूंगी। शिमला मिर्च को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। सब्जियां आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 3 बड़े साइज के टमाटर, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, और इसमें मैं डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ताकि जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और इसे हम टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे कुछ 3 से 4 मिनट लगा सॉफ्ट होने में। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप हमेशा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का ही यूज करें, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और 1 से 2 टेबलस्पून के जितना पानी, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुना गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप बॉइल्ड मटर और 1 बड़े साइज का आलू, जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। इसे भी मैंने मटर के साथ बॉईल कर लिया था, और इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और, बिकॉज मुझे यहाँ पे ग्रेवी ड्राई लग रही है, और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप बासमती राइस लिया है, जिसे मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रख लिया था, और इसे मैंने बॉईल किया है। स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून ऑयल और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया था हल्दी। अब ये बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। ग्रेवी हमारी बनके तैयार है। इसमें मैं डालूंगी 1 क्यूब बटर का, और इसे मैं हल्का सा मिक्स कर लूंगी। अब हम इसमें डालेंगे राइस। राइस हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 नींबू का रस, और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। राइस को मैंने ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अब हम इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च जिसे मैंने लंबी लंबी काट ली है और इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसे मैं एक मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में पका लूंगी। मुंबई स्टाइल तवा पुलाव रेसिपी बनकर हमारा तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम इसे सर्व कर लेंगे रायते के साथ।